स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल फोकस पॉइंट के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GPAT 2015 के क्वेश्चन पेपर की सॉल्व वीडियो। पिछली वीडियो में जो है मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है। आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको और आसानी होगी अपने GPAT 2020 की प्रिपरेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमॉर्फ्स इन फार्मास्यूटिकल सॉलिड्स आर डिटेक्टेड बाय विच टेक्निक। तो इसका आंसर है सॉलिड स्टेट एनएमआर। एनएमआर जो होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सॉलिड स्टेट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे अमरफस सॉलिड हो गया, पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो गए, और पॉलीमॉर्फिजम्स हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, एंजाइम मैकेनिज्म हो गया। तो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए जो होता है ये यूज़ की जाती है, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सीरीज ऑफ अल्फा असाइल यूरिडोपेनिसिलिन लाइक एजलोसिलिन, मेजलोसिलिन एंड पिप्रासिलिन आर सुपीरियर बिकॉज ऑफ रिड्यूस एसिड हाइड्रोलाइसिस, बी ऑप्शन है इंक्रीज बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस, इम्प्रूव पेनिट्रेशन थ्रू द सेल इनवेलप एंड स्लो रेट ऑफ मेटाबोलिज्म। तो इसका सही आंसर है इम्प्रूव पेनिट्रेशन थ्रू द सेल इनवेलप, क्योंकि जो यूरिडोपेनिसिलिन होती है वो जो बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा, इसके अगेंस्ट जो होती है वो एक्टिव होती है, और इनकी जो यूरिडोपेनिसिलिन होती है इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बेटर होती है अगर कंपेयर करें हम अमोक्सिसिलिन क्लास से। और बीटा लैक्टमेज के ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं, बीटा मोर रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज के लिए, तो जो ये सुपीरियर होती हैं इसी वजह से, क्योंकि इम्प्रूव पेनिट्रेशन होता है थ्रू द सेल एनवेलप के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो मिनिमम एज जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए वो है 18। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसका आंसर है एड्रोफोनियम, क्योंकि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसकी डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम ड्रग का यूज़ किया जाता है, और इस टेस्ट को जो है अमीलियोरेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, एड्रोफोनियम जो है वो 2 से 10 mg जो है वो इंजेक्ट कराया जाता है स्लोवली, जिससे क्या होता है मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर मसल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन और फिजोस्टिग्मिन, ये इस बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये एक एंटी कोलिनेस्ट्रेज होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिथाइल 5-प्रोपाइल-थायो-1-एच-बेंजोइमिडाज़ोल-2-इल कार्बामेट इज जेनेवा नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थायाबेंडाजोल या ट्राइक्लाबेंडाजोल। तो इसका जो आंसर है वो अल्बेंडाजोल है। बाकी इन सब के जो है मैं आपको नेम और स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। मेबेंडाजोल जो है उसका है मिथाइल 5-बेंजोइल-बेंजइमिडाज़ोल-2-कार्बामेट, और अल्बेंडाजोल जो है उसका है, आपको बता ही दिया है मैंने, ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है। और थायाबेंडाजोल जो है उसका होता है 2,4-थायाजोल-2-जोलिल-बेंजइमिडाज़ोल, और ट्राइक्लाबेंडाजोल का होता है 6-क्लोरो-5-2-3-डाइक्लोरोफिनॉक्सी-2-मिथाइल-थायो-1-एच-बेंज-डी-इमिज़राज़ोल। तो ये जो है इनका नेमिंग और स्ट्रक्चर है, आप याद चाहें तो याद कर सकते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑयल ऑफ फ्रूट पल्प। इनमें से फ्रूट पल्प के कौन से ऑयल हैं, अरेकिस, कास्टर, ऑलिव या एप्रिकॉट। तो ऑलिव ऑयल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल के अलावा पाल्म ऑयल भी जो है वो फ्रूट पल्प का ही ऑयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन इन्वॉल्व मिथाइलेशन ऑफ COOH ग्रुप, मिथाइलेशन ऑफ OH ग्रुप, एसिटाइलेशन ऑफ COOH ग्रुप या एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप। तो एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप कैसे हो रहा है। तो ये सैलिसाइलिक एसिड है, जब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाते हैं तो OH ग्रुप का जो है वो एसिटाइलेशन हो जाता है, यहाँ पर H जो है उस रिमूव हो जाता है और एसिटाइल ग्रुप जो होता है
एसिटिक एनहाइड्राइड का, वो जाके जुड़ जाता है, जिससे क्या है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो यानी कि एस्प्रीन जो है वो बन जाता है और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिकली एक्टिव अरेकिडोनिक एसिड इज़, ऑल ट्रांस इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ऑल सिस इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ऑल ट्रांस इकोसा ट्रिनोइक एसिड या ऑल सिस इकोसा ट्रिनोइक एसिड। तो इसका आंसर है ऑल ऑल सिस इकोसा टेट्रानोइक एसिड। जो अरेकिडोनिक एसिड होता है वो ऑल सिस 5, 8, 11, 14 इकोसा टेट्रानोइक एसिड होता है, जिस जो कि एक ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोलते हैं जिसको। इसके लिए ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें 20 कार्बन चेंज होती हैं और 4 सिस डबल बॉन्ड होते हैं 5, 8, 11 और 14 पर, तो इसीलिए इकोसा टेट्रानोइक एसिड इसे बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटी डायबिटिक एक्शन ऑफ ग्लिबुराइड स्टार्ट एट मॉलिकुलर लेवल बाय विच मैकेनिज्म। तो जो ग्लिबुराइड है वो अपना एंटी डायबिटिक एक्शन जो है मॉलिकुलर लेवल पर किस मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो दिखाता है या स्टार्ट करता है। तो इसका आंसर है डिक्रीज इन पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से जो है एंटी डायबिटिक एक्शन जो है ग्लिबुराइड का वो मॉलिकुलर लेवल पर हमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कंटेन आयनिक इलेक्ट्रोलाइट इन कंसंट्रेशंस एम मोल पर लीटर। तो इन हमें कंसंट्रेशन बतानी है आयनिक इलेक्ट्रोलाइट की, तो इनमें से कौन सी सही है ये बतानी है हमें, सोडियम 20, पोटेशियम 20। जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सोडियम होता है। इसका आंसर है डी, सोडियम 60 प्लस पोटेशियम जो है वो 20 होती है। मैं आपको इसका जो है डायग्राम दिखा देता हूँ। ग्राम पर लीटर के अंदर कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड इतना ग्राम पर लीटर होता है, पोटेशियम क्लोराइड इतना ग्राम पर लीटर होता है, पर लीटर के अंदर इतना ग्राम होता है। और जो हमारी ORS की ऑस्मोलैलिटी यानी एम मोल पर लीटर की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम जो है वो 75 होता है, उसमें हमारे पास मैक्सिमम 60 दिया है तो इसी वजह से हम 60 बोल रहे हैं उसमें। और पोटेशियम जो है वो 20, बाकी ग्लूकोज 75, क्लोराइड 65 और सिट्रेट 10। तो टोटल ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो हमारी 245 के करीब होती है, 245 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैलोल एंड थाइमोल फॉर्म्स डैश सिस्टम कंटेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड फेज इन द फेज डायग्राम। तो सैलोल एंड थाइमोल जो है वो टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो कंटेन करते हैं सॉलिड लिक्विड फेज के अंदर, इन फेज डायग्राम के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लड शुगर इज़ वेल कंट्रोल्ड व्हेन हीमोग्लोबिन A1C इज़। इसका आंसर है बिलो 7%। तो ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल्ड हो जाती है जब हीमोग्लोबिन A1C जो है वो बिलो 7% होता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, हीमोग्लोबिन A1C जो होता है वो हमें ये बताता है कि पिछले 2-3 महीने में तुम्हारी एवरेज ब्लड शुगर लेवल क्या है। इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं, ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन A1C लेवल की अगर हम बात करते हैं तो अगर 4 से 5.6% अगर होती है तो वो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल A1C लेवल है, नॉर्मल रेंज जिसे हम बोलते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन में 5.7 से 7% हो जाती है या 6.5 मान लो। तो जो बिलो 7% जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन है, मतलब कि आपको डायबिटीज़ होने के चांस हैं पर इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारा आंसर भी है। और जो 7% से ज़्यादा हो जाती है या 7% है या 7% से ज़्यादा है, मतलब आपको डायबिटीज़ है, तो हम बिलो 7% जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटीज़ ड्रग एक्ट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द लीवर। मतलब लीवर के द्वारा जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको डिक्रीज करके कौन सी डायबिटीज़ ड्रग जो है वो एक्ट करती है। तो सल्फोनाइल यूरिया ऐसे काम नहीं करती, मैग्लेटिनाइड भी नहीं करती, और बाइगुआनेट जो हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, मतलब लीवर्स के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है उनको डिक्रीज़ करके जो है ये एंटी डायबिटिक इफेक्ट शो करते हैं अपना। और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो हैं वो अल्फ़ा ग्लूकोसाइड को इनहिबिट करते हैं और उससे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्सरेटिव बाउल डिजीज अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ड्यूडेनम, कॉलम, रेक्टम या स्टमक। तो अल्सरेटिव बाउल डिजीज़ यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोल लो, एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन और अल्सर हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। तो वो बेसिकली जो है वो कोलोन के अंदर होते हैं,
तो इसका जो राइट आंसर है वो कोलोन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विगाबाट्रीन इज ए गाबा एनालॉग दैट पोटेंशिएट एक्शन ऑफ गाबा इन द ब्रेन बिकॉज इट बाइंड टू गाबा रिसेप्टर एंड एक्ट एज अगोनिस्ट, इनहिबिट गाबा ट्रांसमाइनेज, ब्लॉक NMDA रिसेप्टर वाया द ग्लाइसिन बाइंडिंग साइट, इनहिबिट न्यूरोनल रिअपटेक ऑफ गाबा फ्रॉम साइनेप्सिस। तो विगाबाट्रीन जो है वो गाबा ट्रांसमाइनेज को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है गाबा डिग्रेडेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। गाबा डिग्रेडेशन डिक्रीज हो जाता है तो जिससे गाबा की एक्टिविटी बढ़ जाती है ब्रेन के अंदर, गाबा की एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ जाती है और क्लोरीन कंडक्टेंस जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है न्यूरॉन के अंदर, जिससे एक स्टेट क्रिएट हो जाती है हाइपरपोलराइजेशन की। हाइपरपोलराइजेशन यानी डीपोलराइजेशन का जो अपोजिट होता है, उसकी एक स्टेट क्रिएट हो जाती है जिससे क्या होता है रिड्यूस्ड न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, मतलब जो न्यूरोनल की एक्साइटेबिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है और वो एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो ये जो ड्रग है विगाबाट्रीन वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर आती है और इसका जो राइट आंसर है वो इनहिबिट गाबा ट्रांसमाइनेज है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल एल्कलोइड, पिलोकार्पिन, रिजरपाइन, डेजरपेडिन और स्ट्रिचनिन। तो पिलोकार्पिन जो है वो कॉलिनर्जिक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होता है जो कि रिड्यूस करता है प्रेशर को आई के अंदर, इसीलिए ये ग्लोकोमा जो डिजीज़ होती है आई की उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन ही जो है वो इंडोल एल्कलोइड नहीं है, बाकी ये सारे रिजरपाइन, डिजरपेडिन और स्ट्रिचनिन तीनों ही एल्कलोइड है। ये दोनों के दोनों जो हैं राउवोल्फिया स्पीसीज से मिल जाते हैं हमें और एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी साइकेटिक टाइप का एक्शन होता है इनका, और स्ट्रिचनिन जो है वो स्ट्रिचनस नक्स मोमिका से मिलता है जो कि पेस्टिसाइड की तरह एक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मास स्पेक्ट्रम द बेस पीक फॉर अल्काइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड एट M/Z। तो M इसका जो मतलब है वो है मास टू चार्ज रेशो। मास स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक प्लॉट होता है इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशो के बीच में, जो कि एक केमिकल एनालिसिस को दर्शाता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि मेज़र करती है मास टू चार्ज रेशो ऑफ आयन को। तो जो बेस पीक होता है अल्काइल बेंजीन का वो 91 होता है, तो इसका राइट आंसर है 91। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एसिडिक पीएच द ऑक्सीजन लोड ऑफ हीमोग्लोबिन इज लोवर्ड, दिस ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज। तो इस ऑब्जर्वेशन को जो है क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बोहर इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। तो हमें करेक्टरिस्टिक बतानी है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग की। तो पहला है पी, ऑफन पैरेलल ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी ये होती है, ड्रग प्लाज्मा एल्बुमिन बाइंडिंग टेंड टू बी रिलेटिवली नॉन सेलेक्टिव ये भी होती है, और एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्बुमिन वाइल बेसिक ड्रग बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन ये भी होती है। और अगला है, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट इंक्रीज अल्फा वन एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन टेंड टू प्रमोट द इंक्रीज लिडोकेन प्रोटीन बाइंडिंग। जी हाँ बिल्कुल, ये भी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में, जो ये अल्फा वन एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज होने से क्या होता है लिडोकेन प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर जो है वो सी है, PQRS चारों ही ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग की प्रॉपर्टी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, When HLB value of surfactant is 10 to 11, it acts best as। इसके लिए चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इसका स्केल दिखाता हूँ। तो ये HLB स्केल है जिसको हम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक वाला जो एरिया है वो ये ऑयल सोल्यूबल जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो है रेंजिंग है 0 से 6 तक की, उसके बाद वाटर डिस्पर्सिबल है 6 से 9 तक की, और उसके बाद है 10 के बाद जो है वो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल है। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो होता है उनकी जो HLB स्केल वैल्यू 2 से 3 होती है, वाटर एंड ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की 3 से 6 होती है, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट की 7 to 9 होती है, ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की 8 से 16 होती है, डिटर्जेंट की 13 से 15 होती है और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की 15 से 18 HLB वैल्यू होती है। तो जो हमारा आंसर है वो है 10 to 11 हमसे पूछा है, 10
10 और 11 का हमसे पूछा है, तो इसमें जो है हमारा ओएल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो आता है, क्योंकि 10 और 11 के बीच में 8 टू 16 के बीच में ही 10 और 11 आ रहा है, तो इस वजह से हमारी जो HLB वैल्यू है वो ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट के। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑयल वाटर इमल्सिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिएजेंट यूज टू डेवलप कलर इन परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड के अंदर कलर को डेवलप करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो आइए मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो ये जो है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड की जो है रिएक्शन होती है, लेड है डाइथायाजोन जो है इसमें रिएजेंट की तरह यूज़ किया था इन अल्कलाइन मीडिया के अंदर, जो है ये लेड थायजोनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वॉयलेट कलर प्रॉपर्टी देता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ लेड जो होता है वो बेसिकली लेड और डाइफिनाइल कार्बाजोन यानी जिसे हम डाइथायजोन बोलते हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तो ये जो है हमारा रिएजेंट होता है। तो इसका आंसर जो है वो है डाइथायजोन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर यूजेस ऑफ फिनोल कोफिशिएंट टू कंपेयर ए डिसइंफेक्टेंट्स क्लिंग एफिकेसी टू दैट ऑफ फिनोल टू डिटरमाइन द डाइल्यूशंस एट विच द डिसइंफेक्टेंट इज टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से फिनोल कोफिशिएंट के क्या कौन सा यूज़ है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है टू कंपेयर ए डिसइंफेक्टेंट्स क्लिंग एफिकेसी टू दैट ऑफ फिनोल। तो ये डिसइंफेक्टेंट्स की क्लिंग एफिकेसी को जानने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है फिनोल कोफिशिएंट, इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट द फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द रीअरेंजमेंट। तो हमें ये बताना है कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर जो स्टार्टिंग का कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, क्या होता है, 1,1-diol, 1,2-diol, 1,3-diol या जेमिनल डायोल। तो मैं आइए आपको इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ पहले। तो ये जो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है 1,2-diol जो है वो कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, और ये एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है वो टेक प्लेस करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 1,2-diol। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इजिली ऑब्जर्वेबल बैंड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउएवर इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्लूकोज सी डबल बॉन्ड ओ एब्जॉर्प्शन बैंड इज नॉट सीन, वाई। तो ये बताना है कि IR स्पेक्ट्रम के अंदर ग्लूकोज सी डबल बॉन्ड ओ एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो क्यों नहीं दिखता। तो इसका जो आंसर है वो है सी, इन ग्लूकोज के अंदर हेमी एसिटल ग्रुप इज प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर शुगर कंटेन करती है हेमी एसिटल ग्रुप तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, तो ग्लूकोज के अंदर जो है हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो है वो IR स्पेक्ट्रम के अंदर अपना एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं शो करता या नहीं दिखता। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो जो इसका आंसर है वो 52-53 डिग्री जो है स्पेसिफिक रोटेशन होती है ग्लूकोज की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नाइट्राइट आर यूज्ड इन एलिमेंट्स एज सेरिब्रल इस्केमिया, अरिथमिया, कार्डियक इस्केमिया, हाइपरटेंशन। तो नाइट्राइट जो है वो कार्डियक इस्केमिया के अंदर यूज़ होते हैं। इस्केमिया जो है एक कंडीशन होती है, इस्केमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन से जिसे हम जानते हैं, तो उसमें क्या होता है O2 जो सप्लाई होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और O2 की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंजाइना। तो कार्डियक उस कंडीशन में जो है नाइट्राइट्स का यूज़ किया जाता है। नाइट्राइट्स जो हैं वो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आपका नाइट्रोग्लिसरीन यानी ग्लिसराइड, ट्राइनाइट्रेट, लॉन्ग एक्टिंग में आपका आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, ये सब होते हैं। तो ये बेसिकली जो है नाइट्राइट जो हैं वो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर यूज़ करते हैं और कार्डियक इस्केमिया के अंदर भी यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइक्लिक AMP इज एन इम्पोर्टेंट सेकेंड मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, विच एंजाइम कैटलाइज द जनरेशन एक्यूमुलेशन ऑफ CAMP आफ्टर ए रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन। तो रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन के बाद
जो जनरेशन होती है कैंप की वो किस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होती है ये आपको बताना है। प्रोटीन काइनेज ए, कैंप फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ग्वानिल साइक्लेज या एडिनिल साइक्लेज। तो इसका जो आंसर है एडिनाइलेट साइक्लेज ही आंसर है इसका। और आपको मैं इसकी वो दिखा देता हूँ एक बार प्रोसेस। तो ये आपके लिगेंड हैं प्राइमरी मैसेंजर की तरह जो एक्ट करते हैं आपके, और ये रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होते हैं। तो ये रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग होती है। उसके बाद जो है साइटोसोल के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे यानी वाया सेकंड मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होता है वो सेकंड मैसेंजर के द्वारा होता है, जो कि कैंप जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है प्रोसेस होती है केमिकल और फिजिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स फॉर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन इज़, तो हमें बताना है कि इनमें इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा गलत है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। तो मीडिएटेड बाय IgE, टाइप वन जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसे हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, और वो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो IgE इन्वॉल्व होती है यानी मीडिएटेड बाय द IgE। ये भी सही है, ये भी सही है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पलीफाइड बाय ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ये गलत है। ये जो है एग्जाम्पलीफाइड बाय ट्यूबरक्लिन टेस्ट ये जो है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का लिए होता है, टाइप जिसे टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये जो है ये टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी के लिए होता है, तो ये टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के लिए नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी कोफैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में कौन सा इनमें से नेसेसरी कोफैक्टर है, विटामिन के, फिब्रिनोजन या कैल्शियम या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो आइए मैं आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये आपके फैक्टर 12A, फिर उसके बाद जो कैल्शियम है यहाँ पर, ये कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट कोफैक्टर है, हर जगह रोल प्ले कर रहा है अपना, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर भी, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर भी। तो कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट कोफैक्टर है आपका ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन होने के लिए। यहाँ पर आपकी ब्लड क्लोटिंग की फॉर्मेशन हो रही है, स्टेबलाइज फिब्रिन क्लोट जो है वो बन रहा है, तो कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट कोफैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू रिमूव बैक्टीरिया वायरसेस एंड पायरोजन्स फ्रॉम वाटर्स विद इफिशेंसी ऑफ अबाउट 90-99%, विच मेथड कैन बी एम्प्लॉयड। बैक्टीरिया वायरस और पायरोजन को रिमूव करने के लिए वाटर में से विद एफिशिएंसी के साथ 90-99% कौन सा मेथड जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है। तो इसका आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम RO सिस्टम भी बोलते हैं, जो आपके घरों में भी होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के जो है वो 90-90% इफिकेसी के साथ हम इसको बैक्टीरिया वायरस और पायरोजन को रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये बहुत सारे रिस्क जो है वो एलिमिनेट कर देता है, जैसे ब्रेन डैमेज होने के और एनीमिक कंडीशंस के अंदर और हाई ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए एलिमिनेट कर देता है इन कंडीशनों को, नर्व डैमेज से बचाने के लिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन द हैना। हैना के अंदर कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है, जुगलोन, मैनाडायोन, लॉसोनिया या फिर प्लम बैगिन। तो हेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ड्राइड लीव्स ऑफ लॉसोनिया इनर्मिस। तो लॉसोनिया से ही लॉसोन जो है इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उससे आप याद कर सकते हैं लॉसोनिया इनर्मिस से लॉसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द इरिटेंसी ऑफ ए केमिकल इज। तो इरिटेंसी केमिकल की इरिटेंसी को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ड्रेज आई टेस्ट जो है इसका आंसर है। इसको इरिटेंसी ऑफ केमिकल केमिकल की इरिटेंसी जानने के लिए यूज़ किया जाता है। और रॉट टेस्ट जो होता है वो फिनिश्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। और डाई मिथाइल ग्लायोक्साइम टेस्ट जो होता है वो आपका डिटेक्शन ऑफ निकल के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और कॉर्नियोमेट्री जो होता है वो आपका स्किन हाइड्रेशन की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्किन टेस्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ड्रेज आई टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं द हीमोलाइटिक इंडेक्स शो प्रेजेंस ऑफ विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द क्रूड ड्रग। इसका आंसर है बी, सेपोनिन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आइडेंटिफाई द IUPAC नेम ऑफ
डेक्सामिथासोन। तो डेक्सामिथासोन का जो IUPAC नेम होता है वो आपको याद ही करना है, 9α fluoro 11 beta 7α 21 trihydroxy 16α methyl pregnant 1,4-diene-3,20-dione, यही होता है। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेमोक्सीफेन इज नॉन स्टीरोडल ड्रग एक्टिंग एट स्टीरोइड रिसेप्टर, इट प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ इफेक्ट। तो टेमोक्सीफेन जो है वो स्टीरोइड रिसेप्टर पर कौन सा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है? तो जो इसका आंसर है वो है क्यू और एस, एंटी स्ट्रोजन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और स्ट्रोजन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडमार्क? तो ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्ट बताने हैं आपको, टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नेक्स्ट है टू क्लेम इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नेक्स्ट है टू डील विद मार्केट प्लेस ऑफ एक्सप्रेसिव आइडिया, और टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग मिसलेड। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पी और एस, टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग मिसलेड। तो ये जो आंसर है ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग द नंबर ऑफ वायबल सेल इन ए कल्चर? तो कल्चर के अंदर नंबर ऑफ वायबल सेल को मेज़र करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़फुल होता है? तो इसका आंसर है प्लेट काउंट टेक्निक। प्लेट काउंट टेक्निक से ही जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग सेल जो हैं सैंपल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर टू ऑफ द पायोनियर्स इन द एरिया ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर में कौन वो दो पायोनियर थे ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है डेमिंग और जुरान। डेमिंग और जुरान जो थे वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पायोनियर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो इसका आंसर है 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनोग्लाइकोसाइड इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी? टीबी की ट्रीटमेंट में कौन सा अमीनोग्लाइकोसाइड है जो यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है टीबी के अंदर वो होती है HRZES, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्टेप्टोमाइसिन। तो स्टेप्टोमाइसिन जो है वो अमीनोग्लाइकोसाइड भी है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड है जो कि टीबी के अंदर यूज़ होती है फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टेप्टोमाइसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू क्रिएट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट ए कंपनी अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स मार्केट एंड कंपटीटर्स एंड डेवलप एन या ए। तो सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए एक कंपनी जो है वो कंज्यूमर मार्केट और कंपटीटर्स को अंडरस्टैंड करती है और एक डेवलप करती है क्या आपको बताना है। इम्प्रेसिव एडवर्टाइजिंग कंपेन बनाती है, स्ट्रॉन्ग वेबसाइट टू पुश द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पुश करने के लिए स्ट्रॉन्ग वेबसाइट का जनरेशन करती है, अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अग्रेसिव करती है, या फिर डी प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड्स। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है डेवलप करती है जो कि सेटिस्फाई करे कंज्यूमर नीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेबलिंग सिप्ड एंड स्वेलोड विदाउट एडिशन ऑफ वाटर इज़ मीन्ड फॉर विच काइंड ऑफ डोसेज फॉर्म? तो सिप्ड एंड स्वेलोड विदाउट एडिशन ऑफ वाटर ये किस डोसेज फॉर्म के लेबल किस डोसेज फॉर्म पर लेबल किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है लिंक्टसिस। लिंक्टसिस जो होती हैं वो होती हैं आपकी थिक लिक्विड मेडिसिन होती हैं जो कि कफ मिक्सर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। तो इनको जो है विदाउट एडिशन ऑफ वाटर के हमें सिप्ड और स्वेलोड करनी होती है। तो ये जो लेबल है ये इसी पर लगाया जाता है, लिंक्टसिस पे, बाकियों पे नहीं लगता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ साइमीन इज कॉल्ड एज व्हाट? थाइमोल, कार्बोक्रोल, मैंथोल या क्यूमीन? तो इसका जो आंसर है वो है पी और क्यू, थाइमोल और कार्बोक्रोल। थाइमोल और कार्बोक्रोल जो हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं ऑफ साइमीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट कंटेनिंग ए ब्रोमीन एटम। तो हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, प्रोपोफोल, फ्लोरोक्सीन। तो जो इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं उसमें आपके दो तरह के आते हैं, गैस और लिक्विड। गैस में आपके नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है और साइक्लोप्रोपेन वगैरह आ जाता है,
और लिक्विड में आपके हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, इनफ्लोरेन, डेसीफ्लोरेन और साइबोफ्लोरेन। तो आपको जो है वो ब्रोमीन एटम जो कंटेन करता है उस एनेस्थेटिक एजेंट का नाम बताना है। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका हेलोथेन। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है हेलोथेन का स्ट्रक्चर है, इसका जो नाम है वो है 2-bromo, 2-pe-chloro, 1-1-1 ट्राईफ्लोरोइथेन। तो यही इसका आंसर है, इसमें ब्रोमीन मॉइटी जो है वो आप आ रहा है। तो ये आंसर है आपका हेलोथेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोइन। फेरोइन इज 110 फिनेंथ्रोलिन, ए बाइडेंटेंट लिगेंड कॉम्प्लेक्स, रेड इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ब्लू इन ऑक्साइड फॉर्म। तो ये चारों ही प्रॉपर्टी जो हैं वो आपकी फेरोइन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। ये फिनेंथ्रोलिन रिंग 110 फिनेंथ्रोलिन रिंग कंटेन करता है, बाइडेंटेंट लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना है होता है, और रिड्यूस होता है, रेड होता है जब रिड्यूस फॉर्म के अंदर, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में ब्लू होता है। तो ये चार, इसका आंसर है डी आपका, PQRS, चारों ही ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्यूबल इन 30, 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, विच डिस्क्रिप्टिव टर्म इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इज सॉल्युबिलिटी। तो फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड पर पार्ट ऑफ सॉल्यूट, तो वेरी सॉल्युबल के लिए जो है एक से कम है, फ्रीली सॉल्युबल के 1 से 10 के बीच में है, सॉल्युबल के लिए आपका 10 से 30 है, और स्प्रैंगली सॉल्युबल के लिए आपका 30 से 100 है, और स्लाइटली सॉल्युबल के लिए आपका 100 to 1000 है। तो हमारा जो पूछा था वो 30 to 100 पूछा था, इसका जो राइट आंसर है वो फिर स्प्रैंगली सॉल्यूशन है, बाकी आप याद कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है आपका स्प्रैंगली सॉल्युबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मेडिकेशन इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ मैन विद सिम्प्टोमेटिक्स बिनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी BPH। तो इसका जो आंसर है वो है आपका अल्फा वन ब्लॉकर। तो अल्फा वन जो ब्लॉकर हैं वो इस कंडीशंस के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली कॉमन होते हैं अल्फा वन ब्लॉकर, जैसे कि आपका प्राजोसिन हो गया, टराजोसिन हो गया, डॉक्साजोसिन हो गया, एटसेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नसेट्स आर सेफ टू बी यूज इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट, मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ड्रग है चिल्ड्रन के अंदर जो सेफ़ नहीं होता है। तो एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन, इंडोमिथासिन या आइबुप्रोफेन। तो एस्प्रिन जो है वो सेफ़ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस चिल्ड्रन को रिसेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे चिकन पॉक्स हो गया या फ्लू हो गया, तो उनको रेज सिंड्रोम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेज सिंड्रोम्स क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण क्या होता है, कन्फ्यूज़न और स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, और लीवर डैमेज हो जाता है लीवर के अंदर, ठीक है। तो रेज सिंड्रोम होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं एस्प्रिन के देने से, जिसके कारण हेडेक वगैरह शो होता है। तो इस वजह से जो है एस्प्रिन जो है वो सेफ नहीं होता बच्चों के अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल वाया ए सेकेंड मैसेंजर। तो सेकेंड मैसेंजर के द्वारा जो हार्मोन है वो एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 अकर्स इन विच ऑर्गन। तो जो 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 है उसका फॉर्मेशन किस ऑर्गन में होता है। तो ये जो होती है 125 डाइहाइड्रोक्सी D3 जो है, ये कैल्सिट्रोल भी इसे बोलते हैं हम, कैल्सिट्रोल, ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, और ये जो है किडनी के अंदर जो है बनती है, और ये जो है किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हीरोइन ओवरडोज। तो हीरोइन जो है वो मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है, ओपियोइड ड्रग्स के अंदर जो है आता है, और इसका जो मॉर्फिन का जो एंटागोनिस्ट होता है वो भी वो ओवरडोज से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हीरोइन का भी वही है नैलोक्सोन, नैलोक्सोन जो है इसका एंटागोनिस्ट होता है, जो कि ओवरडोज ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ किया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एन एक्सेप्टेबल इमल्सन शुड बी स्टेबल विद नो विजिबल साइंस ऑफ सेपरेशन एट 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी डेज। तो जो एक्सेप्टेबल इमल्सन होता है वो सेपरेशन का साइन शो नहीं करना चाहिए एट 45 डिग्री और 50 डिग्री पर, कितने दिनों तक
ताकि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें इमल्शन के रूप में। तो 60 to 90 days तक जो है वो कोई भी विजिबल साइन नहीं आना चाहिए सेपरेशन का एक्सेप्टेबल इमल्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एक्स इज़ एन इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन सिल्वर कलोमीटर एंड वाई इज़ एन इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन कॉपर कलोमीटर, व्हेन कॉन्स्टेंट करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर द सेम टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो कांस्टेंट करंट अगर पास हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से सेम टाइम पर तो एक्स इजिकल टू वाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कास्टर ऑयल इज़। तो जो कास्टर ऑयल होता है वो हमें मिलता है रिसिनस कॉम्यूनिस कॉम्यूनिस सीड ऑफ रिसिनस कॉम्यूनिस से मिलता है हमें। रिसिनॉलिक एसिड जो होता है इसका वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। 85 to 90% जो है वो पाया जाता है इसके अंदर। और रिसिनॉलिक एसिड का जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है वो रिसिनोलिन होता है। तो इसका जो आंसर है वो रिसिनॉलिक एसिड नहीं रिसिनोलिन है। तो ये याद आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर एल्कलॉइड डिटेक्शन। एल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेयर रिएजेंट, कैडे रिएजेंट, रेगेंडॉर्फ रिएजेंट और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो जो इसका आंसर है वो है मेयर रिएजेंट और ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। ये दो रिएजेंट जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो पी और आर जो है वो करेक्ट आंसर है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट जो होता है उसके अंदर आपका पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन होता है जो कि ऑरेंज कलर पीपीटी प्रोवाइड करता है। और मेयर्स रिएजेंट जो होता है आप में उसमें पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है जो कि क्रीम कलर की पीपीटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो एल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं उसमें वैगनर रिएजेंट्स और हैगर रिएजेंट्स आ जाते हैं। वैगनर रिएजेंट्स में आपका आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड होता है जो कि रेड ब्राउन पीपीटी देता है। और हैगनर्स रिएजेंट जो होता है वो आप हैगर्स रिएजेंट जो होता है वो आपका पिक्रिक एसिड होता है जो कि येल्लो पीपीटी देता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा गिब्स फेस रूल फॉर जनरल सिस्टम। तो गिब्स फेस रूल कि हमें इक्वेशन बतानी है वो क्या होती है। तो मैं आपको इसके लिए आपको फोटो दिखाता हूँ एक। तो जो गिब्स फेस रूल है वो यही कहता है एफ़ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू। एफ़ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सी जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट, पी जो है नंबर ऑफ फेसेस है एट इक्विलिब्रियम फॉर ए सिस्टम ऑफ एनी कंपोजिशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी, एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन द एल्कलॉइड ऑफ डेडली नाइट शेड के बी आइडेंटिफाई। तो जो इसका आंसर है वो है विटाली टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जेल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं साइनेरेसिस। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, अरेंज द फॉलोइंग ईस्टर एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सेपोनिफिकेशन। तो हमें इन सबको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सेपोनिफिकेशन के हिसाब से इन सारे ईस्टर्स को। तो जो पहला इथाइल बेंजोएट, इथाइल पैरा मिथॉक्सी बेंजोएट, इथाइल पैरा क्लोरो बेंजोएट और इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजोएट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आएगा इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजोएट, उसके बाद है आपका इथाइल क्लोरो पैरा क्लोरो बेंजोएट, उसके बाद है आपका इथाइल बेंजोएट और उसके बाद है आपका इथाइल पैरा मिथॉक्सी बेंजोएट। तो इसका जो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो है 4-3-1-2। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ले आऊँगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगला पार्ट जब भी आए आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।